अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान और खोरे सच संताली दे बिटर ट्रुथ्स ऑफ 1947। खोरे सच संताली दे नाल मैं हाज़र होया वहाँ। आज मैं पहुँचा वहाँ तारीखी शहर भेरा दे अंदर। भेरा शहर उमें तो ऐसी तारीख जड़ी है 400 कबलज मसीह तो शुरू होंगी है। तकरीबन बुद्ध मत का जदों आगाज़ होंदा है, समझ लो कि बेरा उस वेले ही आबाद होंदा है और उस तो बाद मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ नू क्रॉस करता होया अरूज पकड़ता है शेर शाह सूरी दे दौर दे विच आके, और तीसरा अरूज इनू मिलता है सिखराज अंदर, और चौथा इनू अरूज मिलता है ब्रिटिश एम्पायर दे अंदर। ब्रिटिश दौर दे अंदर बहुत काम होया, बेरा शहर दी चार दीवारी की गई, गेट बनाए गए दोबारा तो जड़े के मुगल पीरियड दे बने सन उन्हां नू रीस्टोर किया गया, कोई 1865 दे विच, कोई 1867 दे विच, कोई 1870 दे विच। मेरे नाल बुजुर्ग बैठे ने जिहड़े के माइग्रेटेड ने रतक तो, और इन्हां दे जिहड़े बिटर ट्रुथ ने या स्वीट ट्रुथ्स ने अबाउट 47 मैं तुहाडे सामने लैके आ रहा वहाँ। आओ इन्हां नाल थोड़ी जिनी गलबात करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद सदीक, हाजी मोहम्मद सदीक व हाजी रहीमुद्दीन जी। आपके दादा का नाम? अल्लाह दिया। तो आप लोग रोहतक में कहाँ रहते थे? रोहतक में तहसील सुनीपत के साथ एक गांव था राजलूगढ़ी। नाम दोबारा बोले गांव का? राजलूगढ़ी, तहसील सुनीपत। ओके। तो जी आपने अपने बचपन जो है आपने जो वहाँ पे गुजारा अपने गांव के अंदर, आपको क्या अपनी यादें जो हैं अब 47 से पहले की? वो यादें यही हैं कि वहाँ उस गांव में हम रहते थे, हमारे चंद घर थे मुसलमानों के, हम शेख फैमिली से हैं, और कुछ वहाँ हमारे साथ दो घर थे फ़कीरों के, बाकी हमारे तल्लुकात ज़्यादातर वहाँ हिंदुओं से रहे हैं, और हिंदू जो थे वो उसी गांव के ज़्यादा अक्सर में आबाद थे। और उसमें ये हुआ कि जिस तकरीबन 10 साल की उम्र थी जिस वक़्त ये 47 का गड़बड़ हुई, पार्टीशन हुआ, तो उस वक़्त हमारे साथ घर से हमें निकलने की कोशिश की। एक दफ़ा हम निकले बाहर कमाद में चले गए, फिर दोबारा कुछ हिंदू फैमिली हमें ले आई कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, आप इधर हमारे पास ही रहें। फिर हम वहाँ वापस आ गए। उसके बाद एक फैमिली थी सिखों की, भगवंती और भीम सिंह, दोनों बहन भाई थे, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। मेरे वालिद जो थे वो सूत धागे का काम करते थे, और उनकी वो ट्रक उनका मेरे वालिद इस्तेमाल करते थे रहीमुद्दीन। उन्होंने हमें बाहिफाजत रोहतक कैंप में पहुँचाया, और वहाँ हालात यही सुनते रहे कि जनाब आज उस गांव में ये इतने मुसलमानों को मारा गया, फला जगह इतने को मारा गया। वहाँ प्रभु एक दयाल सिंह थे, कुलीग थे हमारे वालिद के, उनके टाइम में भी वहाँ बहुत कुछ नुकसान हुआ है, मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म और तशद्दुद हुआ। मेन लाइन रेलवे हमारे पास से गुजरती थी, तो वहाँ पर जो मुसलमानों को गाड़ी से धिक्का दिया या उनको मार के फेंका गया, तो वो जो गाड़ी के लाइन के साथ जो रकबा था उस जगह जो थी उसमें वो रात को कुर्राते रहते रहे, और जनाब यूँ ऐसे ही कुर्राते हुए वो आदमी जो ज़ख्मी थे वो मर गए। उसके बाद और जो हम उस बचपन में वहाँ जो सुनते रहे कि फला जगह ये हुआ, एक गनौर कस्बा था बहुत बड़ा, वहाँ भी सुना मुसलमानों को बहुत मारा गया, और वहाँ से कोई शाजो नाजर कोई बच्चा बच कर आया होगा, वरना उस शहर कस्बे का तमाम सफाया कर दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, पाकिस्तान पहुँचे, तो बड़े कपड़े हमारे रुतक पास से, रुतक से आपने जब अपने कैंप से निकले जी,
तो आपको किस तरीके से लाया गया यहाँ पे? कैब से निकले तो हमें ट्रेन के जरिए यहाँ लाहौर पहुँचाया गया। आप अटारी पे आए? अटारी से लाहौर आ गए। लाहौर वाल्टन कैंप में हम कुछ अरसा रहे। वाल्टन में कितनी देर आप रहे? वहाँ तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता वाल्टन कैंप में रहे। तो क्या आपको लाहौर में जगह नहीं मिली रहने के लिए, या आपको वहाँ पर ऑफर नहीं हुई? वहाँ जगह भी नहीं मिली। दूसरा हम मुझसे बड़ा एक मेरा भाई था, वो हमसे पहले भेरा पहुँच चुका था, इसके इस वजह से हमें भेरा आना पड़ा। यानी कि आपके भाई जो हैं पहले भेरा पहुँच चुके? भेरा पहुँचे। उनका नाम अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद नाम है। आप कितने बहन भाई थे? हम चार पाँच भाई थे और एक बहन थी। जी ठीक हो गया, छः बहन भाई थे आप। छः बहन भाई। तो आप जब भेरा वहाँ से किस तरह पहुँचे, वाल्टन से लाहौर से? वाल्टन से फिर वो कुछ रबता हुआ हमारे भाई से मजीद से, तो उससे हमने कहा कि जी हम वाल्टन कैंप में, वो हमें वहाँ से लाहौर से वाल्टन कैंप से भेरा ले आया। ठीक हो गया, भेरा ले आया आपको। तो भेरा में आप जब आए, इस तारीखी शहर के अंदर आपने क्या देखा? इस तारीखी शहर के अंदर हमने देखा कि इसके जो गंजमंडी साइड पे हम आए, यहाँ पर इस गेट के दरवाजे मौजूद थे और अंदर से भेरा खस्ता हालत था। मकान कहीं गिरे हुए थे, कहीं मकान ऐसे खड़े थे, कहीं मकान के दरवाजे भी नहीं थे। एक मकान में हम रिहायश रखी तो दरवाजे नहीं थे, उसमें आके हमने रिहायश रखी और खाने पीने का हमारे पास कुछ नहीं था। कई दिन तक हम ऐसे ही बस भूखे प्यासे रहे। फिर कोई हमारे वालदैन वगैरह भाई मजदूरी करते रहे और फिर कुछ गुजारा चलता रहा। कि जब आप भेरा में पहुँचे हैं तो तमाम घर जो हैं सिख और हिंदू खाली करके जा चुके थे? हाँ, तमाम हिंदू और सिख जो थे वो इस शहर के मकानों को खाली करके जा चुके थे। तो घर कैसे थे यहाँ पे? घर उस वक्त बहुत बहुत ही बेहतरीन घर थे। सात सात मंजिला, चार चार मंजिला, तीन तीन मंजिला घर थे। ये मैंने देखा कि यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे पर बहुत काम है, खिड़कियों पे लकड़ी का बहुत उम्दा किस्म का काम है। तो क्या आप क्या कहते हैं, क्या आपने अपनी आँखों से कुछ इससे ज़्यादा भी देखा? भेरा का जो मकान थे हिंदुओं के या सिखों के, फ्रंट जो उनका था उस पर लकड़ी का बहुत काम हुआ हुआ था और बड़ी कशीदाकारी हुई हुई थी। सही, बड़े अच्छे मकान बने हुए थे। कि यहाँ पर कलकत्ता माड़ी थी वो इतनी ज़बरदस्त बनी हुई थी कि बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनी हुई थी, जो कि उसके बाद में फिर वो गिर गई। को महकमा बहालियात ने इसको नीलाम किया, लोगों को ट्रांसफ़र हुई, मुंतकिल हो चुकी, इनको PTDT बन चुके, फिर उसके बाद वो बिल्डिंग ना रही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप आए और आपको कौन सा घर अलाट हुआ? जब हम आए तो हमें एक घर अलाट हुआ था इधर। और वो किसका था? वो हिंदू की मालकियत का मुझे पता नहीं। दूसरा जो मकान हमें अलाट हुआ वो सूरज प्रकाश और चंद प्रकाश, 9/506। अच्छा, तो क्या साहनी फैमिली आप बता रहे हैं कि? हाँ, साहनी फैमिली, मोहन लाल साहनी, जिया लाल साहनी, ये मकान मेरे मकान के साथ ही उनकी मालकी है। अच्छा, तो क्या नाम अभी भी अगर देखा जाए तो EQ ट्रस्ट में तो नाम वही बोलते हैं ना जिनके नाम पर 47 से पहले जो मलकियत है वो आज तक बोलती है? वो आज तक उनका नाम बोलती है। और अभी मशहूर मल्ले कौन कौन से हैं भेरे के? मशहूर मल्ले, सबसे बड़ा मल्ला जो मशहूर है वो सानिया वाला है। मल्ला सानिया वाला? मल्ला सानिया, यानी कि जो अमीर लोग थे सबसे? जो अमीर लोग भेरा के, जी सबसे अमीर लोग जो बताए जा रहे हैं वो सानी खानदान के थे। और दीवान सानी? अच्छा, दीवान अमीर तरीन, दीवान भी। और उसके बाद जो सिखों का गुरुद्वारा है, इसको आपने किस हालत में देखा जब आप यहाँ पर आए? इसको जिस हालत में ये है इसी हालत में मौजूद था। अच्छा, इसको कोई किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया? वेरी गुड। तो इसमें अब ये जो अभी जो इमामबाड़ा बना, ये कब बना? ये 47 के बाद बना, शिया हजारात ने इसको इमामबाड़ा बनाया। ठीक हो गया।
तो अभी आप भेरे में मतलब कि यहाँ पर आए हैं वहाँ से, क्या आपको अपने बचपन के कोई दोस्त याद आते हैं जो बिल्कुल छोटी उम्र में आपके दोस्त थे यहाँ मोहल्ले में? क्योंकि 10 साल का जब बच्चा होता है उसकी तो अच्छी खासी समझ होती है, और वो उसको आपको आज भी कई बार आप रोहतक की गलियों में तो घूम जाते होंगे अपने ख्वाबों के अंदर। हाँ, वो कई वो बच्चों के प्रेम दास, लक्ष्मी दास और इस तरह के बच्चे थे वहाँ, हिंदुओं के, उनसे हम खेलते थे। और कुछ ऐसे भी हैं जो उनके नाम अब मुझे याद नहीं। आप वहाँ पर स्कूल में पढ़े किसी में? नहीं, यहाँ आके पढ़े हैं। वहाँ पर आप दाखिल नहीं हुए थे? वहाँ दाखिल ही नहीं हुए थे। अच्छा, आपने बताया कि आपके जो दोस्त थे लक्ष्मी दास और वो, उनके वालिद का नाम आपको याद है? हाँ, एक का नाम वो परमिदास का था चंदगी, और एक का था प्रभु दयाल सिंह। अच्छा, वो सिख था? वो सिख था। तो क्या आपको बचपन के दोस्त याद आते हैं? बस अब जब हम अपनी आबाद छोड़ चुके तो अब उन लोगों को क्या याद करें। तो आपको अगर इस वीडियो के बाद अगर आपका कोई दोस्त, बचपन का दोस्त जिंदा हो और वो आपको मिलना चाहे? अगर वो मिलना चाहे तो मिल सकता है, मुझे तो उनकी अब शक्लें भी याद नहीं रही। आप नाम दोबारा बोलें और अपना शहर दोबारा बोलें, अपनी गली का नाम बोलें, मोहल्ले का, ताकि इस वीडियो को देख के तो वो आपसे रابطہ करें। वो प्रेमदास और जी प्रभु दयाल सिंह, वो मेरा गांव राजलू गढ़ी मेन लाइन रेलवे के साथ था, और साथ ही उस पर दूसरी साइड पे ये जरनैली सड़क थी, और हमारा मकान जो था वो जरनैली सड़क के करीब था। इधर से भी नज़दीक था रेलवे लाइन से। अच्छा। और जरनैली सड़क के साथ भी था। आपका घर कितना बड़ा था वहाँ पर? हमारा घर तकरीबन 3-4 कनाल में था। ज़मीन आपकी कितनी थी वहाँ पर? ज़मीन नहीं थी हमारी, हम एक ताजर लोग थे। अच्छा, आप लोग ताजर लोग थे। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने रोहतक का क्या याद आता है? बस वो रोहतक का यही है कि हम वो थल इलाका था हमारा, पानी वगैरह बहुत डूंगा, कुएँ डूंगे थे, और मेरा मकान जो था उसमें तकरीबन 5-6 नीम बीर थे, और एक छोटी सी मस्जिद थी, क्योंकि और तो मुसलमान था नहीं, वो मस्जिद भी हमारी हवेली के अंदर ही थी। सही। तो आप क्या कहते हैं कि आपका आज की नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? हमारा पैगाम ये है नौजवान नस्ल के लिए कि जिस वक्त वहाँ से हम उजड़े थे, निकले थे, चले थे, तो वह वेला ये था कि वहाँ पर इस्लाम में आइन नाफिज होगा, वहाँ आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी, और यहाँ आके ये देखा कि यहाँ ठीक है नमाज पढ़ते हैं, कोई रुकावट नहीं, वहाँ भी रुकावट नहीं थी, मगर यहाँ देखा कि वो इस्लाम वाली तो बात ही नहीं है, ना इस्लामी आइन कोई नाफिज हुआ है, ना कोई इस्लाम के बारे में कोई ऐसा हुआ, कोई एक सिख भी हमारे मुल्क में लागू कर दी गई हो, कोई सिख ऐसी नहीं लागू। ठीक है, यानी कि आपको इस चीज़ से भी एक वो है कि आइन जो था वो जूं का तू चला आ रहा है, वही है जो ब्रिटिश राज के अंदर था जी। तो आप अभी क्या महसूस करते हैं कि जब आप भेरे में आए हैं, भेरे की एक तारीख है, एक डेजर्टेड, एक सहराई इलाके से आप उठ के आए हैं, तो आपको यहाँ पर आके कुछ अच्छा लगा? हमें आके यहाँ पर अगर उस मुसलमान हैसियत से कोई ख़ास चीज़ अच्छी नहीं लगी, पर यह है कि यहाँ के कुछ बचपन वहाँ गुजर गया, और कुछ अरसा जो यहाँ रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही तालीम अंडर मैट्रिक जो की है, उससे ये हुआ कुछ हमें रोशनी मालूम हुई कि कुछ हम रोशनी में आ गए। सही हो गया। तो इसका मतलब है कि
47 میں آپ با حفاظت یہاں پر پہنچے اور آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ایسا واقعہ نہیں ہوا. دیکھیں جی میں کیا سی کہ میں تھانوں دساں گا کہ اگر انہاں نال کوئی بٹر ٹروتس ہوئے تو یہ آپ نے دسن گے انہاں نال بٹر ٹروتس کوئی نہیں ہوئے اور انہاں نے صرف کچھ لاگے لاگے دے ایریے دا سنیا ہے لیکن انہاں دے نال سارے نے تعاون کیتا, سکھ فیملی نے بھی تعاون کیتا, ہندو فیملی نے بھی تعاون کیتا اور با حفاظت پاکستان پہنچ گئے اور ساڈے پاکستان دا اس ویلے اے اساسہ نے اور انہاں نوں شکوا بھی ہے, شکایت بھی ہے کہ اسلام دے نام تے بنن والے ملک دے اندر اسلامی آئین اور اسلامی نظام پوری طرح نافذ نہیں ہویا. اے گلا انہاں نوں اج وی باقی ہے. میں تہاڈا اپنا ہوسٹ بابا جی, دیکھتے رہو کھورے سچ 47.